बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालों मेरे देखने वाले सारे भैन भरावों नूं अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे, आबाद रखे, थोड़े सारे दुख तकलीफां नूं दूर करे, सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इस तों बाद अज दा व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा जी, अज बहुत ज़्यादा गर्मी है, कल भी बहुत गर्मी सी, अज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुबह का जिहड़ा काम सी सारा खत्म कर लिया, सफाई कर ली आ, ते इन्नी मुश्किल है, मैं सफाई की है ना, काफ़ी सेहन बड़ा हो जाता ना, तो सारे सफाई की आ। तो हीरा बेटी जी है ना सो रही आ, ते राती सालन बनाया सी, पाए बनाए सीगे, लेकिन हिबा बेटी ने कहा कि मम्मा जी मेरे वास्ते ना तुसी बनाओ बकरे का गोश्त मटन, ते वो भी मसाले वाला। कल जवेद गए सीगे उधर हमने बेटी ने छोड़न, ते अम्मी जी उन्होंने भी बकरे दी कुर्बानी की सीगी, ते अम्मी जी ने भी साढ़े वास्ते ना गोश्त भेजा वा। हिबा कह रही है कि मम्मा जी जरा नानी ने साढ़े वास्ते गोश्त भेजा ना, तुम मैंने वो बना के दो। फुफो जी कह रहे कि चलो तुम ना हिबा ना बना दो। सुबह का काम खत्म कर लिया वा, तो लसन प्याज बना के रख के आई हाँ, तो हूँ मैं हिबा बेटी वास्ते बनाऊँगी सालन, तो मैं कहने वाले वीडियो भी बना लेनी हाँ। अगला जो भी सीन होया मैं अपने देखने वाले भैन भाइयों भी शेयर कर दी हाँ। गर्मियों तो कोई भी काम करना ना बहुत मुश्किल है, कोई काम आसान नहीं है। एक रोटियां पकानी सब तो मुश्किल काम आ, तो कल्ले बंदे का तो वास्ता रोग ही नहीं है, कल्ला बंदा तो रोटियां पका ही नहीं सकता, तो एक रोटियां पकानियां बहुत मुश्किल है। तो सालन जड़ा है ना वो फिर भी बंदा फिरदा तुरदा ना पका लैंदा, तो हाँ जी हाँ जी। वैसे मर्दां दे जिहड़े काम है वह भी आसान कोई नहीं है, वह भी बहुत मुश्किल है। चोई साहब हुणी पट्ठे कुतर के आए आ, ते इन्हां दी इन्नी बुरी हालत हुई है, मैं बैक कैमरा करके ना दिखांदी आ। देखो जी चोई साहब उन्हां दी हालत इन्नी बुरी हालत है, जानवर रखने भी कोई आसान काम नहीं है, जिमीदार करना भी बहुत मुश्किल है। जिमीदार फिर भी आसान है, चलो गर्मी दा कोई नहीं, बंदा ने अगे पीछे कर लंदा, जानवर वाला काम लाज़मी करना पैंदा। हाँ जी पट्ठे कुतरने सब तो मुश्किल आ, बहुत मुश्किल आ पट्ठे कुतरने, ते इन्हां दी हुण हालत देखो, पसीने पसीनी होए होया, कपड़े देखो इक सिर पाए देखो पिया। चलो आम करो जेडे ना इधर बने दब लो, इन्हां नूं बाद च दा बनावा। अम्मी जी उन्होंने मैंगो भेजे सीगे तोड़ के कच्चे आ, ते लेकिन असीं इन्हां दी पैर पावांगे, पकावांगे, फिर भी तुहानूं दिखावांगे। हां जी सारे सही जाने के इक बूटा नहीं, हुण लगदे सोहणे पर हुण मक्खी कट जांदी, सारे खराब हो जांदे, पकदे ओहदे उपर। हां जी आ देखो खाने वाले नहीं रहंदे, माशाल्लाह बहुत प्यारे मैंगो आ, अहमद भाई ने लगाए सी बहुत जल्दी ना, बड़े तोड़ के लेके आए सी, ते लेकिन ना हां जी बहुत जल्दी ना बूटे नाल उन्होंने तोड़े थोड़े थोड़े पौधे ने ना ग्रो कीते, कहंदी आप ही जदों पक गए ना सारे चुके खाक चेक करे जदों मिठा केड़ा सही आ। ते लेकिन हुण ते पहले मैं पकाना सालन, हिबा बेटी ने मैनूं तंग कीता पिया, उन्हें कहा भी जिहड़ा नानी ने गोश्त भेजा ना मेरे वास्ते जल्दी बनाओ, ते गोश्त नूं तुसीं खादा नहीं, उहदे वास्ते हुण मैं उह बना लगी, उह वी कहिंदी मसाले वाला। अच्छा जी हाँ जी चलो पका, मैं हांडी रख लवां, पानी देख के आवां जी। सूरते मोबाइल कोल ना कितने बच्चे मोबाइल नूं नहीं चढ़दे, इत्थे पिया कि चलो शुक्र है ये पैकेज खत्म हो गया, लड़ाई कर दे के दोनों लड़ाई कर करके बैड चादर दी हालत, दोनों लड़ाई कर दे के या कमरे दे विच भी कोई काम नहीं कर सकता, मैं नहीं कर बहुत हबसा आ गया सामान लो पकड़, नहीं सही है इतने बचत कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, अगे महंगाई थोड़ी। चलो तो लो आप पकड़ो, गोश्त वाश करके रखा हुआ सी, फ्रीज किया तो मैं चलो इस तरह हम पा ला नहीं गर्मी बहुत ज्यादा, मैं नहा के आना तो घड़ी घड़ी में आप कुछ दी पक गया सालन पक गया, कोई नहीं 10 मिनट बाद लग जाएंगे पकाओ जबरदस्त। अच्छा मिर्चा कुट के पाऊंगी, पानी ऐड कर लेंगे,
पहले पापा जी ने दूध गर्म किया इतने ये जग है लकड़ी पर बुझा गए सी लकड़ी में दोबारा से रख दी हूँ देखियो देखियो क्या हाल करे हो चिब पैंदा नहीं पानी चिब टमाटर का छिलका उतार के ब्रीक ब्रीक में कट लिया अच्छी तरह खुलिया नहीं है उपरों कवर कर दी पाप नाल ना खुल जाएगा मिर्चा कुट के इन्हें पेस्ट बना लें चम्मच एक दफा चला लेने गोशे चो पानी कुछ खो रहा वो इधर एक दो पीस मैं निकाले आ ते बोटी उन्हें चेक करके देखती हाँ भी नरम हो गई है ते एक बोटी जी है ना निकाली ये ना रोगन ते इवें बाहर निकाल रही है एवं बाहर निकाल रही है ते हिबा बेटी ने दिनी है ताकि रोगन निकाल के ना खा लेगी बड़े शौक न बच्चे ना खा लेंगे ज़्यादा देर मैं जो उपर आया ना फिर ये निकल जानी है तो हिबा ने दे देनी जी थोड़ा जहा पानी में होर पर बूटी में चेक की है लेकिन थोड़ी जी ना सख्त अच्छी तरह नरम हो जाए मसाले जड़े है ना ऐड कर दें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो नरम हो जाएगा फिर घी पा दें बुनाई कर देंगे ए जरा हिबा दे दो लेकिन है भी थोड़ी जी कनी बहुत गर्मी तो नहीं बंद कराया ना है लस्सी पीनी है तो मैं आपको कवर कर दूँ मेरे नाल देखो की हो रहा मेरी कमीज फाड़ दी थोड़े पड़ोले ने मेरी कमीज फाड़ दी तो उसे ना जाने मैं ना जल्दी जल्दी ने उधरों ने पड़ोले को दी हो गया ना लकड़ी चकना लगी सी मैं क्या जाके ना चुल्ले चला पतरी ऐसी वैसी तो कोई नहीं तो वो एक पतरी है गई और तो मेरी कमीज बची फंसी सारी फाड़ दी चलो कोई नहीं हो लेता ना मेरा सूट सी बड़ा नवा नजर आंदा ही जेड़ा नवा तो नवा ले रहा नवा ले रहा मैं ते नवा ही सी कितनी दफा मैं पाया कि ते चलेगा चलो नवे नहीं ते कोई नवे ते डर दूं पर इतनी गर्मी आ सिलाई नहीं हुंदे चलो कोई नहीं जे ले आले ते सिलाई भी तो हो ही जाना चलो चलिए ओके मैं लस्सी पीनी है फिर रात को भुन जाऊं हां मोबाइल ले आ मेरा अच्छा मम्मी सही टाइम पे आ गया अच्छी तरह नरम हो गया पानी भी खुशक हो गया घी पा लेने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बेटी मसाले वाला गोश्त बना के देना
ताकि मैं प्याज लहसुन भी ज्यादा ही पाए इसलिए टमाटर भी मैं कहता खुश थे सारे ही खुश बिल्कुल मसाला बन गई इसमें बड़ा कवर क्यों उतार देता बच्चे की थी कीता पता नहीं बच्चे ने उतारे वो देखो जी इस तरह मसाले वाला बनाना वा मैं उन्होंने तो पसंद ही मसाले वाला अच्छा जी चलो फिर खाला खाला मैंने बटर आज के खा लें ठीक है ना छोटी खा लो आज ये बर्फ लेके और लस्सी पाओ हमारी लस्सी ठंडी नहीं हुई पूरी मामू जी आज तो सुनिए तो